हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि मैंने अपने गुलदान में ढेर सारी कलियाँ लाने के लिए बहुत बार पिंचिंग किए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कई बार पिंचिंग करने के कारण नई नई कलियाँ नए नए ब्रांचेज से निकले हैं और उससे पौधा और घना होता गया है। जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतने ही ज़्यादा कलियाँ आएंगी। ऐसा ही मैंने अपने सभी पौधों पर किया है और अब सभी पौधे खिलने के लिए तैयार हैं।